मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मेरे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी दीदारगंज विधानसभा के विधायक कमलाकांत राजभर जी। विधायक जी, क्या कहना है, इधर आपके क्षेत्र की जो जनता है ट्रांसफार्मर को लेकर बड़ी शिकायतें कर रही हैं और हम देखते हैं कि अक्सर जो है जो आइडियल है जो बिजली विभाग है उसका चक्कर लगाते रहते हैं, क्या कहना है ट्रांसफार्मर को लेकर और बिजली विभाग को लेकर? बिजली विभाग में बहुत बुरी समस्या है, बहुत ऐसी समस्या हम जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, उनकी समस्या हम लोग सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या बिजली ट्रांसफार्मर की है। जो ट्रांसफार्मर सरकारें वादा करती है कि हम 72 घंटे में लगा देंगे, लेकिन ये सरकार यार 1 महीना 1.5 महीना 20 दिन 25 दिन एक ट्रांसफार्मर में लग रहा है, एक ट्रांसफार्मर में 20 दिन समय लग रहा है। जनता में त्राही त्राही मची है। किसी भी गाँव में, राजापुर हुआ, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, बूढ़ापुर हुआ, इमादपुर में हुआ, ऐसे बहुत सारे गांव हुए जहां पर 20-25 दिन समय लगा ट्रांसफार्मर का। अभी कालेपुर फूका था हमारे यहाँ, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, हम 50 गांव गिना सकते हैं जहां ट्रांसफार्मर इतना बुरा हाल है, 20 दिन 25 दिन 30 दिन आज ट्रांसफार्मर लग रहा है, अगले दिन फूक जा रहा है। गोसड़ी ऐसा गाँव है जहाँ 7 बार ट्रांसफार्मर फूक गया, गोसड़ी में ऐसे बहुत सारे। कमालपुर हैं जहाँ 8 बार ट्रांसफार्मर फूक गया, 1-1 महीने लगा ट्रांसफार्मर आने में, बहुत तार जर्जर अवस्था में है, क्षमता वृद्धि हो नहीं रही है, बहुत बुरा हाल है ट्रांसफार्मर का हमारे विधानसभा में। इसके बावजूद भी आप लोग चीफ इंजीनियर जो है बिजली विभाग से उनसे मुलाकातें भी करते रहते हैं? भाई हम लोग चिट्ठी पत्री, जो विधानसभा जब सत्र चलता है, चाहे मंत्री जी से मांग करनी हो, चाहे प्रमुख सचिव विद्युत से मांग करनी हो, हम लोग मांग करते रहते हैं। अपने क्षेत्र की समस्या है, बिजली की समस्या है, कहाँ जर्जर तार की समस्या है, कहाँ ट्रांसफार्मर की समस्या है, हम लोग मांग करते रहते हैं क्षेत्र की। क्या हो रहा है अब सरकार उस पर कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की है, जनता के सम्मान, जनता के साथ धोखा है, कहीं कहीं सरकार जो वादा कर रही है वो कहीं नहीं पूर्ति हो पा रही। जो सरकार कहती है कि हम 72 घंटे में ट्रांसफार्मर लग रहा है, वो हमारे विधानसभा का विधानसभा में 3 महीने का डेटा मंगा ले, कितने ट्रांसफार्मर जले कितने फूके खुद पता चल जाएगा। क्या चाहते हैं हम लोग, सरकार जो वादा करे उसको पूरा करे 72 घंटे में ट्रांसफार्मर का। जो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होना चाहिए बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 25 KV ट्रांसफार्मर है, वहां 100 कनेक्शन। हमारे क्षेत्र बहुत सारे ऐसे गांव हैं, हर गांव का हम लिखित विभाग में भेजते हैं क्षमता वृद्धि के लिए, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, सरकार या काम नहीं कर, बिजली विभाग काम नहीं करना चाह रहा हो। बकाया बिल में हमारे पास लोग आते हैं, मिलते हैं, किसी की बिल लगातार लोग जमा कर रहे हैं बिल अपनी, लेकिन बिल जमा कर रहे हैं, आ रहे हैं, कनेक्शन काट रहे हैं, अगले दिन की बिल आ जाए 30,000 40,000 50,000 बिल आ रही है, और वो लगातार बिल जो जमा करते हैं, जो आती है उनकी रसीद आती है उसके तहत वो जमा करते हैं, और पूरे क्षेत्र की पूरे समस्या हमारे और पूरे प्रदेश की समस्या, हमारे क्षेत्र की समस्या है, हमारे क्षेत्र वाले आते हैं, 50,000 1 लाख 2 लाख 4 4 लाख बिल आई है, हमें लिखित में दे सकते हैं जो 4 4 लाख में बिल आई है। ये थे दीदारगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक कमलाकांत राजभर जी, जो स्वर्गीय और विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुखदेव राजभर जी के पुत्र हैं, बेटे हैं, जो हमसे बातचीत कर रहे थे खबरों नजर चैनल के लिए। शमीम जराजपुरी आजमगढ़।